गाइस ये सीन होता है जब आप जंगल में घूम रहे हैं, बस मौत और जिंदगी के जस्ट करीब ही रहेंगे आप। और क्या, टिकट नहीं रहने पर जानते हैं उधर जेल लेके जाएंगे। जेल, थैंक यू। चलिए, अरे उन लोगों को लगा भी है गाइस, हम लोग के पास पैसा ही पैसा है, अंबानी मेरे। Hey guys, welcome back to my another video. तो बहुत दिनों के बाद रियल टाइम वीडियोज़ आएगा, नहीं तो मतलब वीडियो कब शूट करते हैं, कब डालते हैं, ये तो बहुत लेट का है। एक्चुअली में सोच रहे थे कि फ़ोन आ जाता तो आईफोन आ जाता तो सही से वीडियो डालते, फिर वैसा कुछ नहीं है, बट अभी हाँ। तो अभी जा रहे हैं बंगाल, उससे भी पहले जा रहे हैं जिम जाएंगे, हम और भैया जाएंगे। भैया अभी पहले ट्यूशन से आएंगे और हम अभी जिम से आएंगे, उसके बाद चलेंगे, तैयारी व्यारी करेंगे और भागलपुर टू रामपुर हट का पूरा सफ़र तुम लोग को दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले अभी जिम तुम लोग को दिखाते हैं, नया वाला जिसमें दो दो एसी है। थोड़ा सा एस्थेटिक लेने का प्रयास कर रहे हैं, अब तो डायरेक्ट जिम ही दिखाते हैं तुम लोग। तो फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यही है भाई, चेंज कर दिया जिम पहले तो। यहाँ पर का सुविधा ज़्यादा अच्छा है, ऊपर चलो ऊपर दिखाते हैं, ऊपर है। बस पहुंच गए भाई, आधे के साथ भाई ठंडा ठंडा फीलिंग चल रहेगा भाई। ये देखो, इसको कहते हैं जिम। अरे भाई दो दो एसी, एक को तो छोड़ो भाई, दो दो एसी, चारों बगल शीशा ही शीशा। ये देखो भाई मस्त है जगह, जो मतलब इधर वाली लोकेशन में रहता है ना, ये क्या नाम है, रानी तला, यहीं पर तो है। कॉन्टेक्ट नंबर तो दिख ही गया होगा बाहर में, जिसको आना है भाई आ सकता है। मस्त एकदम ठंडा 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 पानी भी मिलता है भाई। तो अब फटाफट निकलेंगे कुछ देर में, तो इसीलिए जिम कर लेते हैं बढ़िया से, एकदम अच्छे से ट्रेन कर लेंगे। और वैसे भी लेग्स है और ट्राइसेप है और क्या, और कुछ नहीं है, फोर आर्म भी है। उसके बाद फटाक से निकलेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक में पहुँच जाएँ, क्योंकि 7:05 में ट्रेन है, 6:30 बजे तक में तो वहाँ पर स्टेशन पहुँच जाएंगे, और आधा 20 मिनट तक तो वहाँ पर आराम से ट्रेन के सब प्लेटफॉर्म पे ये सब देख लेंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, इसको ट्रेन करते हैं और उसके बाद सेम इसी चीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग्स भाई, एक एक सेट करके दिखाते हैं। सेकंड में आ रहा है हैमस्ट्रिंग्स पर, ओके। तो हमेशा पोजिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, ग्रोथ तो है। जो मेरा पूरा फिजिक नहीं देखा हम उसको दिखा देते हैं, ओके। तो अभी करंट फिजिक मेरा ऐसा है कुछ, उधर ज़्यादा डिटेल, अब डिटेल ज़्यादा थोड़ा दिख रहा होगा। ये देखो है ना, मस्त एक भाई कट वट सा है, गर्दन भी है मस्त एकदम, इसीलिए ना भाई। अच्छा तो एक फोर आर्म का बचा है, तो फोर आर्म के लिए मस्त। ओके, तो जिम से निकल गए और बस पहुंचने वाले ही हैं, और टाइम 5:44 हो रहा है, 6 बजे तक में तो पहुँच ही जाएंगे, बड़ा से तैयार होंगे और पूरा निकल जाएंगे भाई। तो अभी घर आ चुके हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, माहौल तो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब मौसम फटाफट जाकर तैयार हो जाएंगे नहा करके। ओके, तो जाएंगे तो ऑमलेट बना लेते हैं, सारा कुछ खा लेंगे और कुछ लेके चले जाएंगे, क्योंकि कुछ तो खाना पड़ेगा ना ट्रेन पर लंबा सफर। तो खैर सूरज भाभी आ गए और प्लान में थोड़ा चेंजेस है, 10 बजे वाले ट्रेन से जाएंगे, 7 बजे वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ऑमलेट तो बना लेंगे बट इसके लिए रोटी चाहिए, रोटी भी लेके जाना है हमको, इसीलिए 10 बजे जाएंगे। मम्मी का इंतज़ार रोटी बना करके देगी गोल गोल। तो पढ़ा करके भी आ ही गए भैया, अभी रेडी हो जाएंगे, आराम भी हो जाता है। हाँ हाँ, तो फटाफट भैया भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन हो चुका है मेरा, भैया मुझे थोड़ा बहुत लेट है।
चलिए हम बोलते हैं गाड़ी सजा लेंगे, खड़ा चल गया। पापा पापा जा रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? क्या लाया है? मंचूरियन खाइएगा भैया। तो भैया खिला टाइमिंग में कुछ लोग ऐसा होता है बस खाली बोल देता है। अभी 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 प्रूफ दिए है, अभी नहीं फालतू में जाते हैं। दादा चल रहे? हाँ जा रहे हैं जिम। अरे पागल है, जिम हमेशा थरेन जाते हैं। जा रहे हैं सुना बंगाल गुजरा गुजरा गुजरा। अरे तेरी खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जा रहे रामपुर हाट जा रहे जा रहे पापा बुला बाय। इसीलिए भैया खाना भी बना रहे हैं। खाना बन रहा है। अपने घर पर से भी मम्मी पापा को बाय बोल करके निकल गए। और तो खैर भैया जा रहे हैं छोड़ने के लिए। हाँ भाई ट्रेन वाला कैफे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर भागलपुर जंक्शन। 21:19 हो रहा है, हमारा ट्रेन 21:51 पे है। देखो भागलपुर जंक्शन ओके। लीजिए भैया फोन और जाते हैं। तो फटाफट जा करके टिकट कटा लेते हैं। ऐसे जानकारी में आया है एक नंबर मतलब पटरी पर आएगा ट्रेन। ज़्यादा भीड़ का बातों ने आराम से कटाएंगे। ये क्या है भाई? ये क्या है? मैं जो ये क्या था? आ गए भाई, मिल गया टिकट। चलिए ओके। तो भाई सबसे पहले पूछ ले जमालपुर गया हावड़ा एक्सप्रेस पे आएगा। तो जानकारी गलत, एक में नहीं छः पे आएगा। तो छः के लिए ओबे हड़चू भाई आदमी है वो। आप इस आप भी क्या कवर होइएगा थंबनेल में हम ही भाई। भीड़ बहुत तगड़ा है, चुतिया सब आदमी चार कदम चल नहीं पा रहा है। ट्रैवलिंग में अलग ही मज़ा है भैया। ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है, और जो रोज़ करता है ज़बरदस्ती उसके लिए मज़ा नहीं है। जो शौक से कर रहा है उसके लिए मज़ा है। एक साल हो गया है भैया। अभी बहुत पढ़ते हैं यार, मज़ा आ इतना हम भी नहीं पढ़ते। कॉपी भी लेकर के जा रहे हैं भाई। ओके तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 यही है, यही है ना प्लेटफॉर्म नंबर 6। बड़ी गंदा है। नहीं है क्या? कहाँ है प्लेटफॉर्म? किधर है भाई? अरे यही है, वहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। तो हूँ जो छो नहीं लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है कि उस साइड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लेटफॉर्म नंबर 6 लिखा। हाँ फोकस करते हैं भाई, तुम लोग भी देख लेते हैं भाई। ये वाला ऐसे भागलपुर आ रहेगा और बाद में रामपुर वाला दे देंगे, सबसे सेक्सी लगेगा तुमने। क्या हुआ? क्या क्या लाइट्स? अरे उतना कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 की जगह 1 पे ही आएगा। हम लोग थोड़ा चूतिया थे
ये कुछ भी देख लेते हैं कभी कभी। वो तो अच्छा है कि टाइम जाता है, इसीलिए हम लोग इधर उधर कर पा रहे थे। तो फाइनली वन पे आ चुके हैं, इसी जगह पर आएगा ट्रेन। हम लोग लास्ट में पहुंच गए थे एकदम उस साइड को नाम है, हाँ, बट यहाँ पर आएगा 132। गाइस आ चुका है हमारा ट्रेन, हम लोग को पीछे बैठना है क्योंकि भाई जनरली है, एसी है। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। क्योंकि जनरल का हालत तो एसी को खराब रहता है, बहुत गर्मी। अभी हमको पता चला भाई 80 रुपये एक्स्ट्रा, तो मस्त एकदम एसी में बैठो, अगले बार से यही करेंगे। आते ही टाइम ना भैया, 80 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, जो भी लेता है जो, हम तो जाएंगे। चूतिया आपसे भाई, हमसे ना हुई, पर एक बात है ड्राइविंग से आइडिया लगता है। ये सीन होता है जब आप जनरल में घूम गए, बस मौत और जिंदगी के जस्ट करीब ही रहेंगे आप। एक हल्का सा धकेल लीजिए, चार तो मौत हो गया। फटाक से न्यूज में आएगा भी या नहीं आएगा कौन जानता है। इस थोड़ा सा बैठने का जगह तो मिल गई, मतलब एकदम हल्का सा ही मिला। भाई बख्शो दी ऑन टॉप। गाइस बहुत मुश्किल, मैंने सब रईस में जनरली हम घुसते चलता है, इतना ईगो लेकर के घुरता है। दुनिया भर का पैसा भी रहता है जनरली वाला का। भाई स्पीड देखो कितना ज़्यादा तगड़ा है एकदम। भैया जी बेस्ट सीन है एकदम, ऐसे बैठ करके ट्रेन है रामपुर, रामपुर नहीं एक स्टेशन बैक है उसके बाद। हाँ उतरेंगे तो फाइनली रामपुर हाट पहुँच चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, हाँ हाँ रामपुर हाट पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है भैया। एक्सलेटर बोलते हैं ऐसे, गवार सबको नहीं पता है गाइस। अरे वो बीच में रखिए, बीच में तो बन है गाइस। बन गए हीरो एकदम, क्या मिल गया ये करके, अपने आप को 30 बार खान समझ लिए होंगे एकदम। कुछ नहीं हो सकता गाइस, यूथ का यूथ बर्बाद हो चुका है हमारा। अरे भाई कितना लेट लगेगा, और क्या टिकट नहीं रहने पर जानते हैं उधर जेल लेके जाएंगे। जेल थैंक यू, चलिए। अरे उन लोगों को लगा भी है गाइस, हम लोग के पास पैसा ही पैसा है, अंबानी मेरे ने सही मुझको लगा ही होगा भैया। भैया है वो, कभी कभी मजाक लगता है, बट सच है भैया अगर नहीं लाते टिकट क्या होगा। We all are come from Bihar. Bihar is not for beginner. भाई गलत सोच रहे थे, उधर है उधर। एक फ़ोटो ले लेते हैं रामपुरा के लिए, इसी के लिए आए गाइस, बस ये वाला आना चाहिए। आके थोड़ा फ्रेश हो गए, मुँह कान धो लिए, भैया भी धो लिए, अब बस उधर जाना है, उधर ही है, और बाकी का जो फुटेज होगा वो कल दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, व्लॉग वीडियो जो बोलना है बोल लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर जाते हुए बस खाली घर का थोड़ा सा फुटेज दिखा देंगे, उसके बाद कल का रिकॉर्ड करेंगे।
तो अच्छा तो क्वालिटी अभी नहीं आ रहा होगा रात में, समझ पा रहे हैं भाई, आईफोन के लिए ही स्ट्रगल है ये मैं बात यही है। तो अभी उधर जाएंगे, उधर बड़ा वाला बिल्डिंग है यहीं अपार्टमेंट में ऊपर में। पापा को तो पापा बोले थे कि कल आना, सरप्राइज मिलेगा उनको। तो देख लो, वैसे सही से दिख भी नहीं रहा होगा। बिल्ली पंचो दायर करती चला, हाँ पता है, तो उधर गया हम लोग को इधर जाना, बिहार में वेस्ट बंगाल ले चुका है, कोई टेंशन नहीं। तो खैर फ़ोन कर दिए हैं पापा जी, तो सरप्राइज हो ही चुके हैं। पापा बोलते हैं आ ले, हाँ हाँ वही सब होटल में, हाँ अभी सब बंद है, सब सुबह खुलता है, यहाँ 12-1 बजे के बाद सब चीज़ खुलता है, यहाँ बड़ी सुबह खुलता है, मंडी पहले खुल जाता है, मछली का मंडी है, सुबह सुबह एकदम फ्रेश मछली मिलेगी।